नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स बॉट में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीडीएफ बॉट के बारे में। ये एक ऐसा टेलीग्राम बॉट है जिसकी मदद से आप किसी भी इमेज को पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा इस बॉट का। आपको इस बॉट को यहाँ पर स्टार्ट करना है। इस बॉट को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपको इनका चैनल ज्वाइन करना होगा। इनके चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको इसे ज्वाइन कर देना है कि हमने चैनल ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर कोई भी इसे इमेज सेंड करनी है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ ये, और मैं इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ। इस इमेज को जैसे ही आप यहाँ पे सेंड करेंगे, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, कन्वर्ट टू पीडीएफ तो और रिमूव एडेड इमेजेस। तो हमने अभी तक और कोई इमेज ऐड नहीं करी है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करूंगा। और ये जो इसके बाद आप यहाँ पे पीडीएफ का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ वीडियो आपको दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, तो मैंने नाम दे दिया अपनी पीडीएफ फाइल को हेलो। अब जो बॉट है, देखो इसने हमें पीडीएफ करके दे दिया इमेज की। मैं यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड करूँगा और यहाँ पे इसे ओपन करूँगा। तो मैं इसे गूगल ड्राइव से ओपन करूँगा पीडीएफ फाइल को, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आ चुकी है कुछ इस तरह से। आप चाहे तो इसी इमेज को विदाउट कंप्रेशन भी सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। जैसे मैं अब इसे विदाउट कंप्रेशन सेंड करूंगा इमेज को, तब भी ये कन्वर्ट टू पीडीएफ में कर देगा इसे। और आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस को भी सेव कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अनकम्प्रेस्ड इमेज थी उसका जो पीडीएफ फाइल थी उसका साइज कम था, और जो कंप्रेस्ड नहीं है अनकम्प्रेस्ड फाइल है उसका उसकी जो पीडीएफ फाइल है उसका साइज ज़्यादा, और उसके अंदर क्वालिटी भी हमें ज़्यादा मिलेगी। मैं आपको ये वाली पीडीएफ भी ओपन करके दिखा सकता हूँ, और आप यहाँ पे क्वालिटी डिफरेंस देख सकते हैं दोनों पीडीएफ के अंदर। ओके, अब मान लो आपको मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे सेव करनी है, तो क्या करना है, यहाँ पे बस इमेजेस को सिलेक्ट करना है। और मैंने यहाँ पे चार इमेजेस ले ली, और सेंड विदाउट कंप्रेशन मैं यहाँ पे नहीं कर दूंगा। ये चार इमेजेस वहाँ पे मेरी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट वाले पे देखना है कि मेरे को चारों इमेजेस एक ही पीडीएफ फाइल के अंदर डालनी है, तो आपको यहाँ पे नंबर 4 यहाँ पे यूज करना होगा, कन्वर्ट टू पीडीएफ। और मैं इसे नेम नहीं दूंगा कोई भी पीडीएफ को। और अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई इमेज गलती से सेंड कर दी है, तो आप यहाँ पे रिमूव एड इमेज को ऊपर क्लिक करके उस इमेज को रिमूव कर सकते हैं पीडीएफ फाइल से। तो देखो हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो इतनी जल्दी यहाँ पे कन्वर्ट भी हो गई है। अब मैंने जो चार इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट करी थी वो चारों इमेजेस इस पीडीएफ फाइल के अंदर होगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी पहली फ़ोटो, ये हमारी दूसरी, और ये हमारी सेकेंड फ़ोटो, और ये हमारी थर्ड फ़ोटो। यहाँ पर चारों फोटोज आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ये पीडीएफ बॉट है वर्क करता है। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और बात, आप हमारे चैनल ग्रेमेटर्स बॉट को ज्वाइन करना ना भूलें। मैं इसके ऊपर टेलीग्राम पर आपको रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ, और जल्दी ही हम एक टेलीग्राम बॉट होस्टिंग वेबसाइट लेके आ रहे हैं जिसपे आप अपने टेलीग्राम बॉट को बहुत ही चीप प्राइसिस पे होस्ट कर पाएंगे। और अगर आपको टेलीग्राम बॉट वगैरह डिप्लॉय करने में कोई भी इशू आता है, तो आप हमारे सपोर्ट ग्रुप ग्रे मैटर्स बॉट पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दुनिया भर के लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं।